वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और अभी जो है हम जा रहे हैं राजू का मतलब राजू के लिए मतलब जॉब है वो देखने के लिए, मतलब एक स्मार्ट पॉइंट है जो कि कराई में खुला हुआ है, तो वहाँ पे जो वैकेंसी वगैरह निकली होगी तो वहाँ पे राजू का रिज्यूम वगैरह बनवाएंगे और उसका लगवा के देखेंगे, इंटरव्यू करवा के। अगर इंटरव्यू हो गया तो सेल्स में या तो उसकी जॉब लग जाएगी या तो किसी अदर प्लेटफॉर्म पे जॉब लग जाए तो ठीक है, नहीं तो किसी अदर जगह जो है फिर से उसका इंटरव्यू करवाएंगे। तो अभी जा रहे हैं रिज्यूम बनवाने राजू का और वहाँ पे इसके बाद उसको जो है स्मार्ट पॉइंट में अंदर भेजेंगे, क्योंकि हम तो जो है जॉब एक्सपीरियंस है हमें हर चीज़ का, हम तो लग जाएंगे मुझे पता है, लेकिन जो है राजू को लगवाना है। तो अभी जा रहे जो है रिज्यूम बनवाने राजू का और इसके बाद जो है उसे अंदर भेजेंगे इंटरव्यू के लिए, देखते हैं क्या होता है। चलो पैसे दे दिए ना, ये लो 30 रुपये लो, फोटो वोटो कापी सब चीज़ करा ली थी, रिज्यूम का तो 20 रुपये लेगा। दस रुपये का हो जाएगा, देगा कितना है फोटो कापी? दो ही तो है, हो जाएगा। आधार कार्ड पैन कार्ड की करानी है, हो जाएगा ना, तब मांगता है दो दो तीन तीन और फोटो कापी, जब हो जाता है सिलेक्शन साइन इन करना पड़ता है 10-12 चीज। ठीक है चलिए। तो गाइस यार क्या हुआ कि कल जो है वीडियो शूट नहीं कर पाया, क्योंकि जो है काम पे मतलब जिस तरह से हम वीडियो शूट करते हैं ना वो अब वो प्रक्रिया कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यार देखो अब बताया, देखो सबसे पहले तो हम जिस तरह से वीडियो शूट करते थे मतलब काम का और जो बाहर का वो अभी हो नहीं पा रहा है। वो क्यों नहीं हो पा रहा वो मैं बता दूंगा बाद में। और रही बात काम की, तो मैंने कुछ खास काम किया नहीं था, सोफे वोफे का काम हो रहा था तो वो सोफा अलग कर रहा था, मतलब मैं तो कुछ नहीं कर रहा था, सिंपल से बस ऐसे है कि बैठा था और देख रहा था। काम करना वैसे ही मुझे पसंद नहीं है, जो चीज़ मुझे पसंद है वो मैं इस समय कर रहा हूँ। सो भाई जो है जो काम आपको पसंद ना उसमें थकावट ज़्यादा होती है कि नहीं? तो बस अभी जो है बैठे आराम कर रहे हैं, मेरा मन होता है कहीं घूमने का समय नहीं मिलता। और एक चीज़ है कि रोहित जिसका मैंने एक बार पैसा जो है निकलवाया था, रोहित जो मेरा दोस्त है जिसका जो है परचून की दुकान है बर्रा हाट में, उसका जो पैसा निकलवाया था उसका फिर से जो है पैसा फंसा हुआ 20,000 रुपये, ठीक है। तो वो हम निकलवाने जाएंगे आज तो नहीं जाएंगे लेकिन देखो कल जाएंगे, कल पक्का उसका पैसा निकलवाने के लिए, अगर टाइम मिलेगा तो जाएंगे, नहीं तो अपना काम करने जाएंगे, अपना जो फोन मेरा काम हो रहा है सोफे वाले उसको कंप्लीट कराना है, क्योंकि पैसे लेने हैं और सोफे वाले को पैसे देने हैं, सारा काम करना है, इसलिए जो है वहाँ पे जाना जरूरी है। तो काम पे जाएंगे और आ तो ज़्यादा वीडियो वगैरह शूट नहीं कर पाए। और मुझे जो है अपने शर्ट की जेबी में मतलब शर्ट मेरी 3-4 शर्टें जो हमने ली थी उनमें शर्ट में जेबें नहीं है, तो जेब ना होने की वजह से बहुत दिक्कत होती है, सामान वामान रख नहीं पाते हैं। फिर जो है जैसे गाड़ी वाली चलाओ तो सामान यहाँ रखा हो तो निकाल ले, मोबाइल रखा हो जैसे तो निकाल ले, और फिर जेब में नीचे रखा तो दिक्कत होती है। तो वही जेब वगैरह सिलवाएंगे, अगर देखो उसके लिए यार मम्मी हमने कह दिया है, मम्मी शर्ट लेके जाएंगी सिलवा लेंगी। और आज तो कुछ हुआ नहीं है, कल रात में भी जब हम आए थे हम रात में वीडियो क्यों नहीं डाल पाए, लेट क्यों आया वीडियो हम बताते हैं, लेट वीडियो इसलिए आया क्योंकि जो है कल रात में खाना तक नहीं खा पाए थे, जैसे मम्मी ने इससे हमने कहा कि चलो उन पर थोड़ा जो है खाना बना दो, तो जैसे ही हम जो है उन पर आए और खाना बन ही रहा होगा जस्ट मैं सो गया, और इसके बाद जो है सुबह उठा वो भी 6:30 बजे उठा, फ्रेश हुआ, इसके बाद गया टहलने, टहल के जस्ट अभी आया हूँ। सो बस आज के वीडियो में कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाया हूँ, बट जो है कल से शूट करूँगा, अरे मैं रोज कल 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 कहता हूँ बट देखो करूँगा, मैं पक्का करूँगा। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है यार, ऊपर धूप में। तो बस आज की वीडियो में इतना ही मिल। तो गाइस यार एक और चीज़ बतानी थी, मतलब एक ऐप है, एक वेबसाइट है कह सकते हो, इसका नाम है 1xBet, ठीक है। तो 1xBet क्या है अब हम बताते हैं। एक समय था मतलब कह सकते हो 6-7 महीने पहले मैंने इसका ऐड देखा, मतलब यूट्यूब पे और मतलब
ऐसे ही चला रहा था तो मैंने देख लिया इसका एड, है ना। एड देखने के बाद मैंने सोचा कि चलो वन एक्स फैक्टर डाउनलोड करते हैं और बढ़िया पैसा कमाते हैं, खूब करोड़पति बन जाते हैं, है ना। मैंने सोचा कि भाई हाँ ऐसा होता होगा कि वन एक्स बेट बेटिंग जो बैटिंग साइड है तो वहां पे आप बेट लगा सकते हो, मतलब कि बेट लगा दिया किसी भी टीम पे, जैसे आईपीएल वगैरह हो रहा है या कोई भी मैच हो रहा है, उसे बेट लगा दिया और पैसे जीते या तो हारे, ठीक है। तो अब हम बता दें ये जो बैटिंग साइड होती है ना, इनसे तो खास करके दूर रहो, इनसे खास करके दूर रहो, क्योंकि यार अब हम बताएं, जब हम 6-7 महीने पहले जब ये खेलते थे, जब खेले स्टार्ट किया था, तो एक्चुअली मैं बता दूं कि मैंने 500 रुपये ऐड किया था, 500 रुपये से कम ऐड नहीं होता कहीं, किसी किसी जैसे हर एक चीज़ से होते हैं, फोन पे, गूगल पे और भीम UPI सब तरह से ऐड होता है, तो आप अलग अलग तरह से अलग अलग प्राइस ऐड कर सकते हो। जैसे पेटीएम से करोगे तो 300-350 रुपये ऐड कर सकते हो, और इसके बाद अगर गूगल पे से करोगे तो 500 रुपये से कम ऐड नहीं होगा। तो मैं गूगल पे से किया था, वो 500 रुपये ऐड किया था मैंने पहले, इसके बाद वो हार गया, और हार गया पूरा। इसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो यार, ऐसा हुआ कि मैंने कम से कम उसमें मैंने 2-3 दिन बर्बाद किया, मतलब कि मैं एक मैच जीत रहा हूँ तो 2 हार जा रहा हूँ, फिर मैं 2 जीता तो 1 हार गया, अब 2 हारा तो मैंने सोचा चलो यार एक बड़ा अमाउंट लगाते हैं ताकि जो पहले वाला रिकवर हो जाए। और हाँ, ये जो वन एक्स बेट खेलते हैं ना, वन एक्स बेट जो हम लोग खेलते हैं तो हम लोग का माइंड एकदम ब्लॉक हो जाता है, मतलब हम लोग चीज़ों से मतलब अपना छोड़ देते हैं, अकेलापन हम लोग के अंदर आ जाता है, बहुत सारी उलझने आ जाती है। बट हाँ एक चीज़ हम क्लियर बता दें, ये वन एक्स बेट से कोई बेनिफिट नहीं है। मैं बताओ कंगाल भाई जो आदमी खेलता है ना, वो केवल कंगाल बना होगा। हाँ भले वीडियो भले बना दे अपने व्यूज के लिए, बट ऐसा कुछ नहीं होता। वन एक्स बेट इज द सबसे बेकार है, उसके चक्कर में कभी मत पड़ना, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, समझे। और सही बताए वन एक्स बेट जब आप खेल रहे होगे ना तो आप उलझन में आ जाओगे, कोई और काम नहीं करोगे, आपको ये लगेगा कि यार चलो इससे ही पैसा कमा के सारी जरूरतें, घर की जरूरत और सारी जरूरतें पूरी कर ले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है भाई, बहुत बुरा फंस जाओगे जो वन एक्स बेट के चक्कर में पड़ोगे। अब आप देखो, आपने अगर अभी खेल रहे हो, अभी समय अगर आप खेल रहे हो स्टार्टिंग, तो आप जो अमाउंट लगाए हो ठीक है उसको पूरा लगा दो, ये सोचो कि यार आएगा या तो जाएगा, जब चला जाएगा तो हम दूसरी जिंदगी जिएंगे, क्योंकि तो ये लाइफ वन एक्स बेट जो खेलता है उसकी लाइफ ही ऐसा लगता है कि वो अलग ही लाइफ जी रहा है भाई। बहुत खराब चीज है ये, इन सब चक्करों में कभी मत पड़ना, बहुत बेकार चीज होती है ये सब, केवल आप हारोगे, केवल आप बर्बाद हो जाओगे, लेकिन कभी आप इससे बन नहीं सकते हो, समझे। मैं बता दूं, मैं 1500 रुपये हारा था पिछली बार मैंने खेला, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 1500 रुपये हारा था इस वन एक्स बेट साइड है, उसको कभी भी यूज मत करो भाई। जितनी भी बैटिंग साइड है बैटिंग साइड के चक्कर में मत पड़ो, जुआबाजी के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ो, बर्बाद हो जाओगे भाई बिल्कुल पूरे तरीके से। इसमें जीतने के चांस जितने ज्यादा होते हैं उससे ही ज्यादा हारने के चांस होते हैं, समझ रहा। तो भाई इन सब चक्करों में मत पड़ो, अपना मेहनत करो। और क्या अंबानी है और ये जो बड़े बड़े आदमी है, क्या इन्होंने वन एक्स बेट खेल के ही करोड़पति बने या पैसा कमाया क्या? उन्होंने अपनी मेहनत से कमाया ना, तो मेहनत से करो भाई, बर्बाद हो जाओगे। जो लोग इसमें फंसे हुए हैं उनकी दुनिया एक तरह से ब्लॉक हो चुकी है, वो दूसरी दुनिया से मतलब ही नहीं रख पा रहे, बड़ी उलझन में है, परेशानी में, अलग अलग ही जीते हैं, अलग अलग रहते हैं। अगर मैंने गलत कहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और जो लोग ये लोग खेलते हैं जो खेल चुके हैं उन्हें इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस होगा, समझ रहे। तो बस अगर आपके पास भी उसमें पैसा आया, आप लालच में हो तो पूरा पैसा लगा दो, या तो आएगा या तो जाएगा, बस पूरा पैसा लगाते रहो, एक पाउंड मतलब छोड़ो नहीं, जाएगा या तो आएगा, पर उसके चक्कर में कभी मत फंसो। अगर 1000 रुपये तो आप विड्रॉल कर लो, उसको निकाल लो, बट उसके चक्कर में कभी मत फंसो, बहुत बेकार चीज़ होती है। अपनी लाइफ में मेहनत करो, मेहनत से ही जो कमा सकते हो वही आएगा, बाकी ये सब चीज़ें कुछ नहीं होती, इसके चक्कर में मत पड़ो। सो बस आपको ये नॉलेज अगर अच्छा लगाओ तो भाई लाइक कर देना। अभी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय बाय।